गाइस ये देखो ये पहाड़ ऐसे चमक रहे धूप में, जैसे इनके तेल लगा रखा हो। गाइस देखिए चलते ही चलते हमें क्या देखने को मिला। यहाँ ये देखिए हाथ में आ गया, हाथ में चक्कू से निकल रहा है। ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये लंबा हो बेटे, ये देखिए किसी के छैंद में देने को। हाथ ठंड हो गए, ये देखिए मजा आ रहा है एकदम बढ़िया। ये देखो बहुत सारे यहाँ पे, बहुत सारे हैं यहाँ पे, मजा आ रहा है। सामने व्यूज मजा उठाइए, एक नंबर यार। अगर आप हमारे साथ घूमोगे ना, हम आपको एक से एक व्यूज दिखाएंगे, ब्लॉग नहीं व्यूज दिखाएंगे एक से एक आपको। ये देखिए नीचे खाई, भाई साहब यहाँ से अगर कोई गिर गया ना, मैं कह रहा हूँ हड्डी भी मिलने की ना है बिल्कुल भी। ये देख लो बिल्कुल तकड़े व्यूज है, एकदम मस्त। ठंड हो रही है यहाँ पे, एक पास आने वाला है अभी उस पर रुकेंगे हम, और मम्मी पापा देखो मजे ले रहे हैं, फोटो वोटो क्लिक करवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं अपना। और भाई साहब मजा आ गया वाकई में ही, लद्दाख आना ना बहुत बढ़िया जगह है यार सच्ची। मैं नहीं मानता इससे बढ़िया जगह कोई होगी, मैं नहीं मानता इससे बढ़िया जगह कोई होगी भाई साहब। इतनी मस्त जगह मैंने तो नहीं देखी अपनी लाइफ में आज तक बिल्कुल भी। मजा आ गया यार मजा। अभी देख रहे हो हमें वहाँ जाना है जहाँ से वो दो ट्रक आ रहे हैं। फाइनली 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 गाइस हम पहुँच गए हैं तांगलांगला पास, चलते हैं अभी आपको लेकर दिखाते हैं आपको एक मिनट में। यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है, आप अंदाजा नहीं कर सकते बहुत तेज हवा यहाँ पे चल रही है। एल्टीट्यूड है वो है 17,482 फीट पे है, ये देख सकते हैं आप यहाँ के व्यू में दिखा। गाइस यहाँ गए हम मेरू प्लेन, बिल्कुल सीधी सीधी सड़क है, चारों तरफ मैदान टाइप है। अभी इस साइड नहीं, साइड थोड़े से पहाड़ आ गए हैं, इस साइड देखिए मैदानी मैदान है, आगे दिखाएंगे हम आपको। अब चला रहे हैं पापा गाड़ी, हम आ गए हैं पीछे बैठ गए, ड्रोन उड़ाया था तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा ड्रोन शो। गाइस देखें यहाँ पे मेरू प्लेन्स खत्म होते हैं, अब जो प्लेन रोड थी वो खत्म हो गई है, अब आगे जाके पहाड़ स्टार्ट होते हैं। ये देखिए ज़्यादा आगे हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हम नीचे ही पाएंगे। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, खाइए यहाँ से नीचे। ये देखिए बिल्कुल ढलान है यहाँ से, the final game.
गाइस ये मनाली जाते हुए एक रास्ता बीच में ऐसा आया है कि इस पे बहुत धूल मिट्टी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए बहुत धूल उड़ रही है इस रोड पर। आगे देखो ट्रक गया है अभी तो, वो धूल उड़ा के गया है। देखिए गाइस यहाँ लग गया है जाम। यहाँ बता रहे हैं कि आगे पुल पे कुछ काम चल रहा है, तो अभी हम देख के आते हैं क्या काम चल रहा है। गाइस यहाँ पे चल रहा है पुल पे काम, और बाइक वाले भैया भी नीचे से ही जा रहे हैं क्योंकि ऊपर तो बहुत तगड़ा जाम है, और यहाँ से मतलब ये पुल ठीक कर रहे हैं। वो देखिए सामने गाइस गुफा, छोटी सी गुफा है, ऐसा लगे जैसे रोड जा रही है उसमें, पर ये बाइक वाले उधर से आए थे और इधर को जा रहे हैं ऊपर की तरफ से। ये शायद फंस ना जाए, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं फंसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। देखिए इस आखिरकार वो मैंने जो बोलता वो हुआ सच, क्योंकि रोड ही है यार, नहीं चढ़ पाएगी बाइक। वो दो भैया आए थे ऊपर से, तो उन्होंने धक्का लगाया, एक बाइक वाले वो खड़े एक नीचे खड़े हैं, और वो एक बाइक से चढ़ गई, दूसरी भी चढ़ जाएगी, तीसरी भी ऐसी चढ़ जाएगी धक्का मार के। वो देखिए वो सामने आपको दिख रहा होगा, अभी तो भैया ने एक बाइक चढ़वाई है, अब दूसरी चढ़वाई है, एक भैया अब लेके जा रहे हैं, अब वो चढ़वाएंगे। यहाँ बैठ के हम यही मजे ले रहे हैं। यहाँ नीचे से छोटी सी नदी जा रही है, पानी बहता हुआ जा रहा है। व्यूज़ देखिए आप चारों तरफ के, जाम लगा हुआ है, अपनी गाड़ी ये खड़ी, उधर भी देखो चक्का जाम है, एकदम बढ़िया करके जाम है। ऊपर मिलिट्री हमारे देश के जवान खड़े हैं, ये देखिए भैया चढ़ा ही देंगे शायद जहाँ तक हैं। चढ़ाई थी यहाँ तक तो, चलो 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 चलो, हो गया काम, हो गया, यहाँ रुक गई, जा रही है जा रही है, धीरे धीरे जा रही है बाइक। चढ़ाई दी आखिरकार भैया ने अकेले नहीं, पर जो इनकी बाइक थी, ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, और इनकी वाइफ पे तो नहीं चढ़ती यहाँ से बाइक, इन पे इनकी जो बाइक थी पहले वो तो अटक गई थी बीच में, इन्होंने अब चढ़ा दी अपनी बाइक, मतलब अपनी वाइफ की बाइक चढ़ा दी है यहाँ से। यहाँ बैठे हैं मजे ले रहे हैं, पीछे जाम लगा पड़ा है, हमारे पीछे हमारी गाड़ी दिख रही होगी आपको, और ये देखिए सामने व्यूज़ का मजा ले रहे हैं अपना। पुल पर काम चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसी पुल है, काम चलाऊ था तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो फॉर्चुनर के उस साइड लिखा है बोर्ड पे, वन व्हीकल एट अ टाइम, मतलब एक ही व्हीकल निकलेगा एक ही टाइम पर। और अपना बैठे हैं, अपना टाइम बताता हूँ मैं क्या हो गया आपको, टाइम हो गया है 5:31 हो गए, 5:30 बज गए मतलब, तो अभी तो यार 70 किलोमीटर तो अभी सर चू है यहाँ से, बहुत टाइम लगेगा जाने में अभी तो यहाँ से। गाइस हो गया 3 घंटे से ऊपर टाइम हो गया यहाँ खड़े खड़े, अब खुला है जाम, अब निकल रहे हैं। ताचुंगला पास पहुँच गए हम, एल्टीट्यूड यहाँ का 16,616 फीट है, और चलते हैं अभी, हमें आगे जाना है। यार ये सारे पास मुझे ना दिन में दिखा लेते हैं, लेट हो गए तो जाम में, और थोड़ा सा हमें घर जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि घर पे मतलब थोड़ा इमरजेंसी काम है, तो इसलिए हमें घर पे जाना पड़ेगा। निकल गए अब घर के लिए। देखिए गाइस नकीला पास पहुंच गए हैं, अल्टीट्यूड 15,547 फीट है। देखिए गाइस रोड तो ठीक है, सरचू से हम निकल गए हैं मनाली के लिए, और जो हमारा मनाली का डिस्टेंस है वो है 163 किलोमीटर, 4 घंटे 10 मिनट लगने हैं यहाँ से। चल ही रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत है वाली बात नहीं है, रास्ता भटक गए पता नहीं चल रहा है कहाँ है, ऊपर कहाँ है, एक दो ही दिखेंगे, फ़ोन नहीं कैप्चर कर पाएगा रात को, ठंड हो रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, अब रास्ता पता नहीं चल रहा, 12 लाच लगे और सामने से आ रही है दो गाड़ी, उनसे पूछते देखते हैं। रोड बन रही है, ये मशीन चल रही है सामने, पता नहीं क्या हो गया, रास्ता चौड़ा कर रहे हैं, और नया अभी हम जैसे गाइस पहुंच गए हम सूरजताल लेक साइड में, हमारे लेफ्ट हैंड पे तो आपको दिखेगी क्या ये लिखा है यहाँ पे, सूरजताल लेक,
इतना ही नहीं, चलो अंधेरा इतना ही हो रहा है तो कैसे दिखाया आपको। ये लिख रहा बोर्ड पे सूरस्तान बारालाचला से हम निकल गए यार। गाइस अब हम चलाएंगे गाड़ी, पापा को देंगे अब आराम, बहुत चला गया आज पापा ने गाड़ी, अंधेरा हो रहा है बिल्कुल, देखो ये खड़ी अपनी गाड़ी, चलते हैं अभी, देखिए अंधेरा हो रहा है बिल्कुल रोड पे, पापा बाहर खड़े हैं अभी और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, पहले जिंगजिंग बार आएगा, फिर जिस्पा, फिर सीसू, अटल टनल, फिर मनाली। फाइनली गाइस हम पहुंच गए जिंगजिंग बार, निकलते हैं आगे की तरफ, अंधेरा बहुत हो गया, टाइम 11 ऑलमोस्ट हो गए हैं, चलते हैं। मनाली 124 है, चंडीगढ़ 423, दिल्ली 664 है। हम तो रात को भी आपको वाटरफॉल दिखा रहे हैं 11 बजे। गाइस ये पहुंच गए हम जिस्पा, कैंपिंग होती है यहाँ पे, हमने जब 2-3 महीने पहले हम आए थे तब भी हमने कैंपिंग करी थी यहाँ पे, बहुत बढ़िया, उस टाइम व्लॉग स्टार्ट नहीं करते तो इस वजह से हमने आपको नहीं दिखाया, तो अब रात को ही तो क्या ही दिखेगा। उस साइड देखिए, इस साइड लेफ्ट में नदी बहती है, वो थोड़ा सा काम है ना घर पे, इमरजेंसी डिले कर नहीं सकती, इस वजह से रात को ही दिन रात चलानी पड़ रही है गाड़ी और जाना पड़ रहा है घर, डिले नहीं कर सकते इस वजह से। और चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे ज़रूर दिखाएंगे आपको, ले तो हमने दिखाई दिया आपको, ले दिखा दिया, बाकी सब चीज़ें दिखा दी, खारदुंगला सब चीज़ दिखा दी, बाकी हमने जिस्पा रह गया, सरचू रह गया, बस सरचू तक रह गया, उसके बाद हम आपको ज़रूर आगे आएंगे तब दिखाएंगे। चलिए गाइस अटल टनल हम पहुंच गए हैं, दिखाते हैं आपको, ये देखिए चलते ही चलते पता नहीं चला कब रात हो गई, और चलते ही ये भी पता नहीं चला कब सुबह हो गई। गाइस सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग, और अभी हम 350 किलोमीटर पहले हैं घर से, नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहे थे, मैं सो गया था थोड़ी देर 2 घंटे, इस वजह से अब उठा हूँ, अब मैं चलाऊँगा, तो अभी चलते हैं, चाय वाय पीने के लिए रुके हैं, चलते हैं, फिर हम चल रहे हैं और बादल रोड पे आ रहे हैं, ठंडी इतनी नहीं है, 23 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, बादल आ रहे हैं रोड पे, गाइस हिमाचल को बाय बाय टाटा कहते हैं, चलो बाहर निकल गए अब हम हिमाचल से, पहाड़ से उतर के अब आ गए हैं प्लेन पे, हम पंजाब पहुंच गए हैं। देखिए अभी हम इस पुल से आ रहे थे और ये हमें नदी दिखी है, वो हरा पानी है, एकदम गंदा पानी नहीं कह सकते इसको, एकदम साफ पानी है। इस नदी का नाम नहीं पता मुझे, पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल हरी नदी है एकदम। फाइनली गाइस हम वाला पहुंच गए हरियाणा, ये आपको दिख ही रहा होगा सामने हरियाणा।
पहुंच गए हैं पेरिफेरल हाईवे, घर के बहुत नज़दीक आ गए हैं अब हम। और हमारी जो हमने ड्राइव कर ड्रिवन कर ली अपनी गाड़ी वो कर ली है 1047, मतलब 1047 ड्रिवन कर लिया कल से हमने अब तक नॉन स्टॉप। और अभी भी हमारा कम से कम 20 किलोमीटर तो होगी, 40 किलोमीटर अभी भी हमारा घर है। और नॉन स्टॉप आ रहे हैं हम पेंगोंग लेक से सीधा दिल्ली। हमारी गाड़ी है XUV700, बहुत साथ दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत मज़ा आया, एकदम कंफर्ट सीट है, ना थकावट हुई, ना कोई किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत बढ़िया, मतलब एवरेज के नाते से देख लो, कैसी भी देख लो आप, बहुत बढ़िया गाड़ी लगी भैया हमें तो, बहुत अच्छी गाड़ी है हमारी। बेस फाइनली गाइस पहुंच गए हैं अब हम घर, और गाड़ी ने देखे हमारी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कराया, हमारी गाड़ी ने 1061 किलोमीटर चल गई है सेफली, हमें घर भी पहुंचा दिया, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा हमारी गाड़ी का XUV700 का। 1161 किलोमीटर हमने चलाई है ये, कल सुबह निकले थे हम 7 बजे पेंगोंग लेक से, और अभी हम पहुंचे हैं 1:14, दोपहर का समय हो रहा है। कल पूरे दिन गाड़ी चलाई, रात भर गाड़ी चलाई, और आज 1 बजे तक हमने गाड़ी चलाई, तब जाके हम पेंगोंग लेक से सीधा दिल्ली नॉन स्टॉप आए हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।